एक्सरसाइज करने के लिए या अब क्या कर, मतलब है आजकल टोटल पावर है आर्मी चीफ की, ये गवर्नमेंट शवर्नमेंट जो है इसको तो मैं डमी समझता हूँ, दीज आर ऑल गुड फॉर नथिंग, इनसे जो कहा वो करें ये सब। और इन लोगों का भी हाल देखेंगे, इन पॉलिटिशियंस का भी हाल देखेंगे, जो 14 पार्टी है जिसमें से बड़ी पार्टी है 4-5 जो है वो फौज को गालियां दे दे के रो रो के थक गई, जब ये इससे पहले के 2-4 सालों में 5 सालों में इंक्लूडिंग आपके अचगजई साहब और नवाज शरीफ साहब और पता नहीं कौन से पिश्तीन और फलाने और वहां के सब, वो फौज के खिलाफ लड़ रहे थे। और इमरान खान वॉज इन द गवर्नमेंट बट ही वॉज देयर एंड वो फौज के साथ खड़ा था। अब क्या हुआ है, सारे के सारे फौज के जाके वो पतलून के पीछे छुप गए, किस बात से, किस चीज से डर के, क्योंकि वो इस बात से डर गए कि जी अगर हम इनकी प्रोटेक्शन नहीं लेंगे तो इमरान खान हमें वाइप आउट कर देगा, और इलेक्शन अगर होंगे तो इमरान खान हमें छोड़ेगा नहीं। तो दिस इज द प्रॉब्लम, ये है कि जी इमरान खान को हमने कंटेन करना है, मार धाड़ के पकड़ धकड़ करके डरा के लोगों को टेरराइज करके। अब आप सोच लें कि उनकी पार्टी के कितने लोगों को तो जेल में डाला हुआ है, कितने बड़े बड़े लीडरों को उन्होंने कन्वर्ट कर लिया है, कर ले जी, बट इवन देन दे आर नॉट सेटिस्फाइड कि जी हम इलेक्शन में जाए अभी, क्योंकि वो सर, उनको पता है कि जी जिस दिन इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ उस दिन वो लिट जो है ना वो हटना शुरू हो जाएगी एंड देन थिंग्स